अभी तो बहुत सारा मोबाइल जो है अभी अंदर ही पड़ा हुआ है, ये तो बस छोटा सा नजर आना। मोबाइल चलो NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। शिक्षा से खिलवाड़ बढ़ता ही जा रहा है। बिहार के आरा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीएड के फाइनल ईयर की परीक्षा चल रही थी, वहां 80 छात्र नकल करते पकड़े गए। बेहद ही शर्मनाक हरकत देखने को मिली। एक साथ 80 स्टूडेंट्स चोरी करते पकड़े गए। किसी के पास चिट तो किसी के पास फोन तो किसी के पास गेस्ट पेपर मिलने लगा। यह सिलसिला थम ही नहीं रहा था, जिसके बाद उन्हें परीक्षा से निष्कासित कर दिया गया। आपको बता दें कि पटना के आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी की ओर से आरा के हरप्रसाद दास जैन कॉलेज में बीएड की फाइनल परीक्षा चल रही थी। शिकायत मिलने पर भोजपुर के डीएम राजकुमार वहां अचानक आ पहुंचे और मामले को खुद अपनी आंखों से देखा, जहां छात्र खुलेआम अपने फोन और गेस्ट पेपर से लिखते नजर आए। देखने के बाद डीएम ने पूरे सेंटर की परीक्षा को रद्द करा दिया। इन सब पर कॉलेज की प्राचार्य ने अपनी सफाई में कहा है कि पर्याप्त मात्रा में जिला प्रशासन की ओर से फोर्स नहीं उपलब्ध कराए जाने पर यह गड़बड़ी हुई और जिसकी वजह से चेकिंग ठीक से नहीं हो पाई और चीटिंग को अंजाम मिला। इन सब के बाद सभी पर बड़ी कार्यवाही की गई है, जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों ही बराबर के दोषी हैं। आगे इस फैसले पर बड़ी सुनवाई हो सकती है। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें NBC 24। नमस्कार। फाइल जो है अभी अंदर ही पड़ा हुआ है, ये तो बस छोटा सा नजर आना। मोबाइल चलो सबको बाकी जिसका बीएड का बोला जाता है।